आप सोते हो, मैं सोता हूँ, हम सब सोते हैं, बट व्हाट्स द बिग डील अबाउट स्लीप? एक्चुअली सोने के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। दिस इज फैक्ट्स विद वीर जी। इस वीडियो में मैं आपको स्लीप के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, लॉन्गेस्ट पीरियड विदाउट स्लीप। आप बिना सोए कितने घंटे रह सकते हो? 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे। अगर हम आज तक के सबसे लॉन्गेस्ट स्लीप पीरियड की बात करें तो वो है 11 दिन और 24 मिनट। हाँ, ये रिकॉर्ड रैंडी गार्डनर ने कायम किया था। अमेजिंग आदमी है ये, है ना? नंबर टू, नो ड्रीम्स वाइल स्नोरिंग। अगर आपके बगल में कोई सोया है और वो खर्राटे मार रहा है, इसका मतलब है वो सपना नहीं देख रहा है। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल वे में। जब हम सोते हैं, हमारी दो ही स्टेट्स हो सकती हैं। एक है REM, रैपिड आई मूवमेंट, और दूसरी है नॉन REM, मतलब कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। REM स्टेट में आपका आँख बंद होने के बावजूद भी अंदर ही अंदर हिलता रहता है। जब आप सपना देखते हो तब आप REM स्टेट में ही होते हो और उस आई मूवमेंट के चलते ही आप सपना देख पाते हो। पर जब कोई खर्राटे मार रहा होता है तब वो एक नॉन REM स्टेट में होता है, मतलब कि बिना किसी आई मूवमेंट के, इसलिए वो सपना भी नहीं देखता। अगर आपके बगल में कोई सोया है और वो खर्राटे ले रहा है तो आप समझ जाइए कि वो सपना नहीं देख रहा है। नंबर थ्री, लूसिड ड्रीम वाइल स्लीपिंग। लूसिड ड्रीम उस ड्रीम को कहते हैं जिसमें आप अवेयर हो जाते हो कि आप सपना देख रहे हो और आप उस सपने में कुछ भी कर सकते हो। आप उस टाइम रियलाइज करते हो कि कुछ गड़बड़ है इस रियलिटी में और तुरंत आपको पता चल जाता है कि आप सपना देख रहे हो। बस आप सपने में जो चाहे वो कर लो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर डालो। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है और हर कोई इसे कर सकता है। इंटरनेट में बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं जिसे आप पढ़ के और फॉलो करके ये सुपर पावर को हासिल कर सकते हो। मैंने वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वैसे क्या आपने पहले कभी ऐसा ड्रीम देखा है जिसमें आपको पता लग गया हो कि आप सपना देख रहे हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। नंबर फोर, कंपैरिजन ऑफ स्लीप ड्यूरेशन बिटवीन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। किसी इंसान को एवरेज में 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, और अगर हम जिराफ्स की बात करें तो उन्हें पूरे 24 घंटे के अंदर सिर्फ 30 मिनट या 2 घंटे तक की नींद की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ तक घोड़े जैसे जानवर को भी दिन में 2 से 2.5 घंटे तक की ही नींद की ज़रूरत पड़ती है। नंबर फाइव, अब आती है एक अमेजिंग बात। क्या आप जानते हैं कि एक स्नेल 3 साल तक लगातार सो सकता है? स्नेल को जिंदा रहने के लिए मॉइस्चर यानी नमी की ज़रूरत पड़ती है, और गर्म काल के समय हवा गर्म हो जाती है, इसलिए स्नेल अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है और इस हाइबरनेशन की स्टेट पे वो 3 साल तक सो सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुँच सके। और आप फैक्ट्स विद वीर जी को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।